Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete news analysis for 17th of January 2019. So 17 January 2019 ka news analysis dekhte hain. Before we start, these are the questions for you today. Aaj ke questions hai. The first question is Shailesh Nayak committee is concerned with. Shailesh Nayak committee in mein se kisse related hai? Coastal regulation zone, rat hole mining, merchandise export from India, non-performing assets. This is question number one. Second question is government announces minimum support price for. MSP इनमें से किसके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है? फर्स्ट इज कोपरा, सेकंड इज ग्राउंडनट, थर्ड इज जूट, फोर्थ इज वीट. अब आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है, तो 1, 2, 3 के लिए करती है कि 2, 3, 4 के लिए कि 1, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव के लिए. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. थर्ड क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. ऑप्शंस आर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे आप गूगल करेंगे एंड देन यू विल टेल मी द आंसर. ओके, बट दिस हैज टू बी डन बाय यू. आप जरूर आंसर करिएगा. Now let's start with the news analysis part, friends. If you have the newspaper in either digital or physical format, please open that. We will be completing the newspaper together. The first news is from the front page. Just mein aapko likha dikh raha hoga, Justice Maheshwari and Khanna made Supreme Court judges. So Supreme Court ke judge banaye gaye hain, Justice Maheshwari ko aur Khanna ko banaya gaya hai. Now this has been accepted by the central government. Aur ye recommendation kaun deta hai? Collegium deta hai. Okay. So collegium kya hai? Aur ye process kaise shuru hui? I will give you a history regarding this, taki aapko puri क्लैरिटी आज हो जाए जिनको डाउट रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि यार ये कैसे शुरू हो गया एंड इतने सारे केसेस हैं कि समझ नहीं आता. तो बहुत इजीली मैंने उसको फॉर्मेट में बना दिया है, सो दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड टुडे. ओके, फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सही लगा कि नहीं लगा. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ऑल. तो आर्टिकल 124, सबसे पहले तो याद करके रख लीजिए, आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू दिस अपॉइंटमेंट एंड समथिंग लाइक दिस. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी है हाई कोर्ट जज होना चाहिए आपको फॉर 5 years एटलीस्ट. यू हैव टू बी हाई कोर्ट जज फॉर 5 years एंड और यू हैव टू बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 10 years. ओके, 10 साल से ज्यादा आपको एडवोकेट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और अगर आप जज हैं तो 5 साल का जज होना जरूरी है. एक और कंडीशन, यू हैव टू बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट स्पेशली इन द आईज, ये सारी चीजें, बट उसके कारण आज तक कोई अपॉइंट हुआ नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस. नाउ who appoints the these judges and all, who appoints these, so appointment is done by the president. India ke case mein jo appointment hota hai wo president final usko appoint karta hai. This is the authority, yaad rakhiyega, appointing authority jo hoti hai wo president hota hai. Now there are 3 cases related to this, aur ye 3 cases evolution samjha denge aapko ki kis tarike se evolve hua collegium aur kis tarike se change hui process of the appointment of the judges. The first case is the first judges case of 1981. to 1981 ka isko hum first judges case bolte hain. यहां पे क्या डिसीजन हुआ था? एक टर्म है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में, जो टर्म लिखा है वो कंसल्टेशन लिखा है, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ इन 1981 दिस टर्म कंसल्टेशन वॉज इंटरप्रेटेड एज जस्ट कंसल्टेशन ऑनली. इसको बोला कि ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब केवल कंसल्टेशन है, बट जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. सो इन 1981 व्हेन द डिसीजन केम, द फाइनल जजमेंट वॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि कौन होगा कौन नहीं होगा. सो एट दैट मोमेंट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वैल्यू उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों की थी, कि हम डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि फाइनली कौन अप्रूव होगा, किसको जज बनाया जाएगा. बट देन केम द 1993 केस और द सेकेंड जजेस केस. उसके बाद 1993 में सेकेंड जजेस केस आया, जिसको कि जिसमें कि कोलिजियम वॉज एक्चुअली बॉन्ड. तो उस केस में, उस सेकेंड जजेस केस में जो कि 1993 का केस है, वहां पे कोलिजियम का जन्म होता है एंड ये डिसीजन होता है कि जो कंसल्टेशन है बेसिकली दैट इज कॉन्ग्रुएंस. कंसल्टेशन मीन्स कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस मतलब यू हैव टू फॉलो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सेज. 1981 में बोला कि कंसल्टेशन मीन्स जस्ट कंसल्टेशन. अब देखो, मैं जब बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन, देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कंसल्टेशन मीन्स कॉन्ग्रुएंस, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पावर केवल और केवल चीफ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि इट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इंटरप्रेट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को किसके है, किसके पास है? वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास है. एंड दैट इज द रीजन वाई हम क्यों बोल रहे हैं कि 1981 में उन्होंने कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया एज जस्ट कंसल्टेशन. 1993
सेबी में जब सेकंड जजेस केस आता है तो वो उसको चेंज करते थे अपना इंटरप्रिटेशन एंड दे सेज दैट कि कंसल्टेशन मतलब कॉन्ग्रुएंस होता है. ओके, सो दैट देयरफॉर कोलिजियम वाज बॉर्न. और जब कोलिजियम का जन्म होता है तो वो होता है सीजीआई प्लस नेक्स्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस. तो जब पहली बार कोलिजियम का जन्म हुआ तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस, ये हुआ. बट इन थर्ड जजेस केस और 1998 केस, उस समय के आर नारायणन भी थे, तो उस समय जो कोलिजियम हुआ उसको एक्सपैंड किया गया. इन द थर्ड जजेस केस द कोलिजियम वाज एक्सपैंडेड एंड सीजीआई प्लस नेक्स्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस को उसके अंदर इंक्लूड किया गया. सो बेसिकली दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द कोलिजियम एज वेल एंड दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच ये चेंज हुआ है. अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस चेंज हुआ है. मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं, सारे उसके बेसिक जो टेनेट्स है, जो बेसिक फीचर्स है वो बता दिए हैं, प्लस मैंने आपको आर्टिकल्स बता दिए हैं एंड प्रोसेस एलिजिबिलिटी हु अपॉइंट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली इस एक न्यूज आइटम से. ओके, अब जो कॉन्ट्रोवर्सी है उस पर अपन नहीं जाएंगे. कॉन्ट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं अपन नहीं जाएंगे, दैट विल बी अ पॉलिटिकल डिबेट अगेन. कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, तो दैट विल वी विल नॉट बी इंटरिंग. हमको वो चीज़ पकड़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल. ओके, सेकेंड न्यूज ये मैंने कल वैसे इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था, 10% रिजर्वेशन इन ऑल द एडमिशंस फॉर 2019-20. जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, नाउ द रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन विल इंक्लूड ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल. तो सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी ये रिजर्वेशन अब करा दिया जाएगा. ये 10% का रिजर्वेशन जो नया है वो भी इंटर किया जाएगा. इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस विल बी इंक्रीज्ड बाय 25%. सो रिमेंबर दैट एज वेल. और इसमें जो UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको टाइम दिया जाएगा एक वीक का टू इंप्लीमेंट दिस डिसीजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज वेल. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया EWS के लिए क्या है, 8 लाख रुपए है या 5 एकड़ से कम जमीन है. इसके साथ साथ 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए प्लस 1000 square feet से छोटा घर होना चाहिए. सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ऑल. ओके, तो ये भी याद रखेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे के पेजेस में मूव कर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइए देखते हैं. आप भी मेरे साथ मूव करिए ताकि वी कैन कंप्लीट द न्यूज़पेपर टुगेदर. ओके, तो ये एड वैड तो अपन छोड़ ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है. अब यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, बेसिकली इसमें एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है इन दिस न्यूज़ आइटम, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया बाउंड इमिग्रेंट्स आर इंडियंस, दिस इज़ व्हाट अ पुलिस हैज सेड. तो यहाँ पे 4-5 लोगों को पकड़ा है जो इलीगल इमिग्रेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें कर रहे थे. नाउ देयर आर टू लोकेशंस गिवन हेयर. वन यू कैन सी इज मलयनकारा एंड मुनाम्बम. ओके, तो मुनाम्बम और मलयनकारा ये जो लोकेशंस हैं, याद रखिएगा कि केरला की लोकेशंस हैं. यहाँ आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं. सो इंडिया के मुनाम्बम से लेके ऑस्ट्रेलिया तक ये ट्रेड हो रहा है एक तरीके से. लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है और लोगों को स्लेव्स बना के ले जाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं. तो ये लोकेशन ज़रूर याद देखिएगा, मुनाम्बम विच इज़ गिवन इन केरला इंडिया. इंडिया में है ये लोकेशन और इंडियन ओशन के रूट के थ्रू होते होते ये ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं. ना यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है, देखो ऑस्ट्रेलिया 6 अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वो 6 पार्ट कौन से हैं और ये वाला पार्ट कौन सा है जहाँ पर ये मार्क्ड है. ओके, जो ये पार्ट जहाँ पर ये मार्क्ड है ना, ये रेड डॉट जो आपको दिख रहा है, तो यू हैव टू टेल मी विच पार्ट इज दिस. तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक मैप कंप्लीट हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया का मैप ओपन करिए, एटलस में ऑस्ट्रेलिया का मैप ओपन करिएगा और इसके सारे डिवीजन देखिएगा कि किस तरीके से डिवाइडेड है. स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिवीजन होता है ऑस्ट्रेलिया का. उसके सारे पार्ट देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वाला पार्ट कौन सा है. ओके, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, तो आपका एक मैप पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का. ये लोकेशन याद रखिएगा, मलयनकारा या मुनाम्बम, ये है अपनी केरला की एक लोकेशन है जहां से ये शुरू होता है सारी चीजें. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये भी अपन ने देख लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की न्यूज आइटम की तरफ मूव करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है. मैंने ऐड ज्यादा आ रहे हैं आजकल. नाउ स्लम्प इन न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ रूरल क्लास 8th स्टूडेंट. कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप डेटा का यूज कर सकते हैं फॉर बोथ एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड बोथ एज अ निगेटिव एस्पेक्ट. वही ना कि ग्लास इज हाफ फिल्ड और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ये दो तरीके हैं बताने की. एक ऑप्टिमिज्म दिखाता है, एक पैसिमिज्म दिखाता है. वन शोज द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, अनदर वन शोज द डार्क साइड ऑफ द लाइफ. ओके, तो यही चीज अब आज द हिंदू ने की है. कल हमने देखा था कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने एक पॉजिटिव साइड दिखाया था कि देखो जो 5th class के बच्चे हैं, जो 3rd class की बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी. नाउ टुडे वी विल सी द अनदर साइड ऑफ द सेम कॉइन, और जो डार्क साइड है वो देखते हैं. तो एसर रिपोर्ट
इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग आज नए देख रहे होंगे उनके बारे में उनके लिए बता देता हूँ। एसर रिपोर्ट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एसर स्टैंड्स फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिलीज कौन करता है? ये ईयरली रिलीज करता है एक एनजीओ प्रथम नाम का। सो देयर इज अ एनजीओ नेम्ड प्रथम एंड दैट रिलीजेस दिस एसर रिपोर्ट। और ये 2006 में पहली बार रिलीज हुई थी। मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 2005, तो आफ्टर 2005 का मतलब क्या है? 2006। ओके, तो 2006 में पहली बार ये रिपोर्ट हुई थी। दिस इज द 13th edition of the report 2018 की जो रिपोर्ट है वो 13वीं है इस लिस्ट में। 13th edition of the report है, तो that is also important, याद रखेगा। जो ASR 2018 है वो 13th edition है, उसमें अब कुछ डाटा आया। Now see the figures from the Hindu। अब the Hindu क्या बोलेगा, देखिए। Now the figures are worse for class 8th। कैसे? In 2008 में 84.8% of class 8th students could read a text meant for class 2। 84% लोग थे, ऐसे बच्चे थे क्लास 8th के जो कि क्लास 2nd की किताबें पढ़ पा रहे थे। लेकिन 2014 में केवल 74.6% ऐसा कर पा रहे थे। एंड 2018 का जो रिपोर्ट है उसमें केवल 72.8% ऐसे बच्चे हैं क्लास 8th के जो 2nd क्लास की किताबें पढ़ पा रहे। सो दिस इज द डिग्रेडिंग कंडीशन ऑफ जो आप देख रहे हैं कि एसर रिपोर्ट ने हाईलाइट किया। ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह कि एसर जो है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में करता है सर्वे, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सर्वे करता है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये भी पूछ सकते हैं, रूरल और अर्बन में आपको फंसा सकते हैं वहां पे, तो याद रखेगा वो रूरल के लिए करता है। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ना एक दूसरा डाटा देखिए, 4 years ago मतलब 2014 की अपन बात करें तो 44.1% ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 8th कुड करेक्टली डिवाइड अ 3-digit नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो क्लास 8th के 44.1% ऐसे बच्चे थे जो कि 3-digit नंबर को डिवाइड कर सकते थे बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन 2018 में ये डाटा और कम गया और अब केवल 43.9% स्टूडेंट्स ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि जो न्यूमरेसी लेवल्स हैं और जो रीडिंग स्किल्स हैं वो सारी डिक्रीज होती जा रही हैं। एक आध दो अच्छे पॉइंट ये थे कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हिमाचल प्रदेश वॉज परफॉर्मिंग गुड, वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बच्चे कम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो दैट इज़ द थिंग। वैसे उत्तर प्रदेश के बच्चे तो अच्छे होते हैं, मतलब दे प्रिपेयर वेरी गुड फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल, अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। बट ये छोटे लेवल पे क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। ओके, एसर सर्वे ने 5.5 lakh चिल्ड्रंस को कवर किया था बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 16। एंड ये मैंने आपको बताया कि रूरल डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखो लिखा हुआ है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में एसर ने 5.5 lakh चिल्ड्रंस को कंसीडर किया था। एक अच्छी बात ये थी रिपोर्ट में कि जेंडर गैप इज श्रिंकिंग। तो जो जेंडर गैप था एजुकेशन में पहले, कि महिलाओं को कम मिल रहा था और पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही थी, सो वो सारी चीज़ें डिक्रीज हो रही, तो जेंडर गैप इज श्रिंकिंग। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एसर रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं ये कुछ जो फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब देख लीजिएगा 2018 में ये 13th एडिशन आया है, इसमें फैक्ट है। कल वाले पॉजिटिव पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैंने बताए थे इंडियन एक्सप्रेस से, और आज के थोड़ा निगेटिव पॉइंट्स, तो अपना एक बैलेंस्ड आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा 200-250 वर्ड्स का। ओके, सो दैट इज ऑल वी वॉन्ट। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट एडिटोरियल इज द लीड एडिटोरियल। ओके, मणिपुर शोज द वे, अ वेरी गुड एडिटोरियल, वेरी 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 गुड एडिटोरियल। इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और एक फैक्ट्स भी प्रिलिम्स के लिए भी आपको मिल जाएंगे। द फर्स्ट दिस आर्टिकल इज ऑन एंटी लिंचिंग लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय द मणिपुर असेंबली। सो मणिपुर असेंबली हैज पास्ड अ एंटी लिंचिंग लॉ। लिंचिंग आप सबको पता है ना क्या होता है? लिंचिंग आप सबको पता है, मॉब लिंचिंग जो प्रोसेस चल रही है पूरी, किस तरीके से लोगों को मॉब आती है और एक पीट पाट के मार के हत्या करके उसको चली जाती है। सो दैट इज द लिंचिंग एंड ऑल। सो दिस आर्टिकल वॉज ऑन द एंटी लिंचिंग लॉ पास्ड बाय द मणिपुर असेंबली। सो द बैकग्राउंड इज दिस, मणिपुर इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास एन एंटी लिंचिंग लॉ। तो दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है विच हैज पास्ड द फर्स्ट एंटी लिंचिंग लॉ इन इंडिया? सो मणिपुर विल बी द आंसर फॉर दैट, याद रखिएगा, दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। नाउ ऑथर हैज रिटन दिस आर्टिकल एंड प्रेज्ड द लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय द मणिपुर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ चीज़ें बताई हैं ऑथर ने कि क्यों ये जो बिल है, जो ये लॉ बना है, बहुत अच्छा है, क्यों ये लॉ अच्छा है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स डेफिनेशन ऑफ लिंचिंग इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट कवर्स मेनी फॉर्म्स ऑफ द हेट क्राइम्स। तो पहली चीज़ तो ये कि जो लिंचिंग की डेफिनेशन है मणिपुर ने जो अपने लॉ में रखी है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिया गया है। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स वेरियस डिग्रीज ऑफ हेट क्राइम्स, बहुत सारे हेट क्राइम्स को कवर करता है।
Second point is that the law creates a new crime of dereliction of duty by public officials. Very very important point. इस law ने एक नई चीज़ create, एक नया crime create किया है, वो है dereliction of duty by the public official. मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, जो public official है, वो अपनी duty को सही से नहीं निभा रहा है. मतलब अगर कहीं lynching की घटना हो रही है और public official fails to prevent the lynching without sufficient reasons. अगर without sufficient reason you are failing to prevent that lynching activity, then you will be liable for a punishment of imprisonment of 1 year, which may extend to 3 years with a fine. Now this is a very important. कि अब ये तो एक तरह से शेर शाह सूरी वाला रूल है. शेर शाह सूरी ने क्या बोला? शेर शाह सूरी ने बोला कि अगर चोरी होगी तो जो उस समय वहाँ पे ऑफिसर होगा मैं उसको पकड़ लूँगा. तो वहाँ पे चोरी होना बंद हो गई. क्यों? क्योंकि ऑफिसर के ऊपर बात आ गई तो ऑफिसर अपना काम अच्छे से करने लगा. उन्होंने बोला कि अगर जिस तरीके की घटना होती थी उसके ऑफिसर को वो सजा देना शुरू कर देता था. तो शेर शाह सूरी ने बेसिकली ये नियम लाया था, वहां से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट इज दैट नो प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल हु फेल्स टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज टू प्रिवेंट हेट क्राइम्स. ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक अथॉरिटीज जो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाएंगे और दे विल फेल टू प्रिवेंट द लिंचिंग एक्टिविटी, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है without any prior approval आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो. Then it does away with the requirement of prior state sanction. तो मैंने बता दिया था कि prior state sanction की जरूरत नहीं है. Now fifth point is that law clearly lays down the duty and responsibility of the state government to make arrangement for the protection of the victims, witnesses of hate violence. तो जो विक्टिम्स हैं या जो विटनेसेस हैं हेट वायलेंस के, उनके प्रोटेक्शन की पूरी ड्यूटी किसके पास है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगी और उनको अरेंजमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि उनके विक्टिम्स जो हैं हेट क्राइम्स के, इस तरह के वायलेंस के, या उसके जो विटनेस हैं उनकी प्रोटेक्शन भी रहे. तो एक तरह से विटनेस प्रोटेक्शन को भी ये आगे बढ़ा रहा है. ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ सिक्स्थ पॉइंट, यू कैन सी रिलीफ कैंप्स की बात की गई है, रिहैबिलिटेशन की बात की गई है, अगर डिस्प्लेसमेंट होता है विक्टिम्स का, और अगर डेथ होती है तो कंपनसेशन की बात की गई. सो दीज आर द पॉइंट्स विच देयर इन द मणिपुर लॉ. अब कुछ सजेशंस भी दिए ऑथर ने, जैसे कि फर्स्ट इज दैट यू शुड डिफाइन मॉब इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे. मॉब की जो डेफिनेशन उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करो. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉब का मतलब ये नहीं कि ऑल दोज पीपल हु आर प्रेजेंट एट द इंसिडेंट. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. मॉब इसका मतलब ये नहीं कि देखो जनता तो वहां पे रहेगी, कहीं पे भी किस तरह से घटना हो रही है जनता रहेगी, बट हर व्यक्ति वहां पे मॉब वायलेंस करने के लिए नहीं इकट्ठा हुआ है. तो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु आर प्रेजेंट एंड दोज हु आर प्रेजेंट विद एन इंटेंशन ऑफ क्राइम. ओके, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, दोज हु आर प्रेजेंट एंड दोज हु आर प्रेजेंट विद द इंटेंशन ऑफ क्राइम. Then second is that deliberately protecting the accused of the hate crimes by public officials should be seen as dereliction of duty. अगर कोई स्टेट जानबूझ करके ऐसे accused को जो hate crime में involved है उनको protect करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी dereliction of duty के अंदर लाना पड़ेगा, लाना चाहिए. This is what the law suggestion given by the author. तो author का ये suggestion है. The law should include direction to the state government to ensure that victims of the violence is assisted to achieve material conditions better than what they were before the violence. ओके, तो बिफोर द वायलेंस जो उनकी कंडीशन थी उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन की होना ज़रूरी है. ऐसा सजेशन दे रहे हैं ऑथर कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि वुमेन हो सकती हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, एल्डरली हो सकते हैं, उन सबको आप पेंशंस का प्रोग्राम करिए, उनको पेंशंस प्रोवाइड कीजिए ताकि वो आगे की ज़िंदगी थोड़ा सुकून से रह सकें. तो ये सारे कुछ सजेशन दिए गए ऑथर द्वारा कि इनको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए. बट ओवरऑल अ वेरी गुड एडिटोरियल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट इसमें, वो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ द सेकंड आर्टिकल इज ऑन सिडिशन एंड पॉलिटिक्स. तो अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि चार्जशीट फाइल की गई है बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट कन्हैया कुमार एंड अदर स्टूडेंट्स. ओके, तो कन्हैया कुमार के खिलाफ और जेएनयू के जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है सिडिशन के केस में. सिडिशन का पहली चीज तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, यू हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल ऑफ सिडिशन, सॉरी सेक्शन ऑफ सिडिशन. सो इट इज सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी. ओके, तो आईपीसी का सेक्शन 124A है जो कि सिडिशन से रिलेटेड है. चार्जशीट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि चार्जशीट मीन्स इट कंटेन्स ऑल द चार्जेस अगेंस्ट द पर्सन. क्या क्या चार्जेस हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके खिलाफ, जिसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, ऑल दोस चार्जेस आर देयर इन द चार्जशीट. ओके, नाउ द एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट यूजिंग सिडिशन लॉ इज अ नीडलेसली हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स टू कैंपस स्लोगनियरिंग बाय दिल्ली पुलिस. तो दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा नीडलेस हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स दिया है उस कैंपस स्लोगनियरिंग का, वो भी तीन साल बाद ये चीज की गई है. सो दैट इज ऑल्सो वॉट सेट बाय द आर्टिकल. ओके,
अब आपने चार्जशीट तो फाइल की कर दी है, बट दिल्ली पुलिस हैज इग्नोर्ड ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि जब तक टिल द टाइम यू आर नॉट आस्किंग द पब्लिक टू टेक आर्म्स और टू इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पीपल, टिल दैट टाइम इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेडिशन एक्ट, सेडिशियस एक्ट. तब तक सेडिशन नहीं माना जाएगा जब तक आप इंसाइट नहीं करते हो मॉब वायलेंस के लिए, इंसाइट नहीं करते हो आप आर्म्स उठाने के लिए, ओके, हथियार उठाने के लिए आप किसी को नहीं कर रहे हो, या स्टेट के खिलाफ आप कोई इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तब तक वो सेडिशन के अंदर नहीं आता है. बट दिल्ली पुलिस हैज इग्नोर्ड ऑल दीज डायरेक्शन एंड ऑल एंड दे हैव जस्ट नीडलेसली पुट द सेडिशन लॉ देयर. दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग, ओके. तो ये भी याद रखेगा. नाउ ऑथर का ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस तरह के, जेन्यून लाइक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे पॉलिटिकल ओपिनियंस शेप किए जाते हैं. दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ शेपिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस. बट जो रिसेंट टेंडेंसी ये हुई है कि उसके ऊपर एक हैवी हैंड रखा है गवर्नमेंट्स ने, एंड दे आर ब्रांडिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट एज एंटी नेशनल्स. वो स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोलने लगते हैं, एंड इस तरीके से ब्रांडिंग जो की जाती है उससे एक तो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल गलत होता है, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स को फिर से वही बोलेंगे कि अरे पॉलिटिक्स तो कचरा है, पॉलिटिक्स बेकार चीज़ है, हम नहीं इंटर करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू रीड द पॉलिटिकल थ्योरी बुक ऑफ क्लास 11th, आई थिंक इट इज गिवन देयर इन एनसीईआरटीज, उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इन विच ही सेज दैट कि क्यों स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटर करना चाहिए. ओके, स्टूडेंट्स आर नीडेड फॉर द पॉलिटिक्स. और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी शुड नॉट बी देयर बाय द स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए. सो अगर वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या पॉलिटिक्स ये चारा और ये घोटाला और ये जो गोबर घोटाला करते हैं ये लोग करेंगे क्या? सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी सीन. एंड इस तरह से देखो, कोई ज़्यादा ही एक्टिविटी इस तरीके की हो रही है तो बिल्कुल आप उसको प्रिवेंट करो. देश फर्स्ट है, कंट्रीज फर्स्ट, सब जानते हैं. बट अगर ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं नॉर्मल चीज़ों से भी, तो वहाँ पे आप इस तरह से ब्रांडिंग मत करो कि ये एंटी नेशनल है. ये सबकी ब्रांडिंग हो रही है आज, हर व्यक्ति या तो कम्युनिस्ट है या फिर वो सोशलिस्ट है या राइट विंग है. अगर आप राइट विंग के साथ नहीं है तो आप कम्युनिस्ट हो जाते हो. आप कुछ भी बोलो तो आपके ऊपर एक ब्रांडिंग हो रही है. This is a process which is going on in India. So that branding should stop. क्योंकि अगर वो branding होती रहेगी तो लोग अपने views नहीं देंगे. People will stop giving views. For example, it happens with many of us also. कि whatever we say, लोग कहने लगे कि यार आप तो ये हो, आप इस ideology से belong करते हो, आप वो. तो कोई किसी ideology से belong नहीं करता. Whatever sees some, जो जिसको सही लगता है वो आदमी, वो व्यक्ति वो बात बोलता है, और सबको ये फ्रीडम होनी भी चाहिए. ओके, सो दैट इज द थिंग, दैट accommodative stand should be there. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन देयर इन द आर्टिकल. Now let's move to the next article. This is regarding Pakistan और Pakistan की क्या problem है. Okay, this article is on the fundamental problem of Pakistan. So इन्होंने बोला कि the fundamental problem of Pakistan is that it has not been able to find its identity. Pakistan अपनी identity नहीं ढूंढ पाया. Whether it's a Muslim state, whether it's a Islamic state, or merely a Muslim offshoot of India. So there are 3-4 आइडेंटिटीज, और उसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये पाकिस्तान घूम रहा है, और ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया. दैट इज द रीजन वाई दे आर हैविंग सो मच ट्रबल्स ओवर देयर. ओके, अब ऑथर का कहना है कि प्री पार्टीशन तो आपने इस्लाम को बेसिस बनाया कि हम मुसलमान हैं और हम सब अलग होंगे, और वी विल लुक फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर ओन कम्युनिटी एंड ऑल, ये सारा बेसिस आपने बनाया. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आपने अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए यही सेम चीज से सेम प्रोपोगंडा किया. ओके, देन ऑथर हाईलाइट दैट ऑल द मेजर स्टैंड्स ऑफ पाकिस्तान विच आर देवबंदी ले लो, चाहे बरेलवी ले लो, या अहले हदीस ले लो, देर ऑल दे हैव देयर ओरिजिन इन द इंडियन इस्लाम. उन सबका ओरिजिन जो है वो इंडियन इस्लाम में ही है. ओके, सो पाकिस्तान हैज बीन अनेबल टू डिफाइन इटसेल्फ एंड हैज लेट स्ट्रांगली एंटी इंडिया. जो इसने एक स्टैंड बनाया है कि खुद को एक तो डिफाइन नहीं कर पाया, एकमात्र स्टैंड इसका था कि हम एंटी इंडिया है, उस कारण से इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, अपना बिहेवियर लूज़ कर दिया, जो इनकी बिहेवियरल एक सोरनेस थी वो लूज़ कर दी. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये आर्टिकल में लिखी हुई थी. मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया तो कि आपको एक इंटेलेक्चुअली आपको थोड़ा समझ में आए, अदरवाइज द डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल वर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. तो आज सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे, सो आई एम सॉरी अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट तो डिस्कस तो करने पड़ेंगे. ओके, ओपेट पेज का, द फर्स्ट आर्टिकल ऑन द ओपेट पेज इज दैट हाउ टू मेक स्किल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव. किस तरीके से हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. सो बेसिकली
आप सबको पता है एनएसडीसी के बारे में पता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पता है, देन एक एनएसक्यूएफ होता है, नेशनल स्किल क्वांटिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब उसमें यह रहता है कि किस स्किल के लिए कितना एक्सपर्टीज की जरूरत है, अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज आर देयर, अलग अलग लेवल्स ऑफ स्किल्स आर देयर इन द एनएसक्यूएफ। तो ये दो बेसिक दो टर्म्स हैं जो कि जानना जरूरी है। स्किल इंडिया आपको पता है इट्स अ प्राइम प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करती है इंडिया की, स्किल्ड वर्कफोर्स अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, सर्टिफिकेशन के थ्रू, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये सारे बैकग्राउंड की बात है। नाउ रिसेंटली स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन हेल्ड किया गया दिल्ली में 2018 में, इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन दिल्ली में हुआ 2018 का, एंड वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जो रशिया में होगा, ओके रशिया में होगा 2019 में, वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन होगा रशिया में। तो उसके बैकड्रॉप में ये आर्टिकल लिखा गया है। ऑथर का कहना ये है कि द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया शुड बी मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, और ज़्यादा होलिस्टिक ट्रेनिंग देनी चाहिए और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी समराइज दीज थिंग्स टू यू, क्यों कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है, बिकॉज द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग। देखो आज आप एक चीज सीखने में एक साल का समय लगा रहे हो और तब तक क्या हो रहा है कि वर्ल्ड की नीड चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग एक्सपर्टीज इन iPhone 5 जस्ट एन एग्जाम्पल, और तब तक जब तक आपने iPhone 5 में एक्सपर्टीज ली तो iPhone 7 आ गया, iPhone 6 आ गया। तो मतलब मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, कि जब तक आप एक चीज में एक्सपर्टीज ले रहे हो नई चीज डेवलप कर दी जा रही है। तो इसीलिए जो स्किल डेवलपमेंट है दैट शुड बी हैविंग अ व्यू ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग, ओके। तो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप बनाओ, जो करिकुलम आप बनाओ NSQF का, उसमें भी आप ये चीज ध्यान रखो कि आपको थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आपको ये देखना कि कल क्या हो सकता है। आज तो चलो ठीक है, हो सकता है आज की स्किल आप जब तक सीखे तब तक कल की नई स्किल आ जाए और आज की स्किल जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए, सो दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू। आपका पूरी ट्रेनिंग खराब हो जाएगा अगर आपको नई स्किल की जरूरत पड़ जाएगी कल। तो यू हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, आपको अलग अलग इंप्रोवाइजेशन लेने पड़ेंगे, इनोवेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और नई नई स्किल्स को सीखना जरूरी है, क्योंकि जो क्लाइमेट है, जो स्किल क्लाइमेट है एक तरीके से बोलना चाहिए, वो चेंज होता जा रहा है। और इस तरीके के अगर चेंजेस हम देखें तो हम कंपीट नहीं कर पाएंगे दूसरे कंट्रीज के साथ। इफ़ वी आर स्टक टू अवर ओल्ड ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव स्किल्स के साथ अगर हम जुड़े रहे तो हम बिल्कुल कंपीट नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं। देयरफॉर वी हैव टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस, या जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस, सेकंड पॉइंट वही है जो मैंने बताया कि इसको चेंज करना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल में कंपीट कर सकें इसलिए हमको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन ब्रॉडर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ब्रॉडर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड अलग अलग सेक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द फ्यूचर एज वेल। तो डिफरेंट सेक्टर, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो हमारे यंग एज पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमको वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है तो वी हैव टू बी स्किल्ड ऑल्सो। तो अगर वर्ल्ड की ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अपने को लेना है तो वी हैव टू बी स्किल्ड, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। Now the second op-ed article was the coast is unclear. Now recently क्या हुआ, government ने guidelines दी regarding the coastal regulation zone notification 2018. तो coastal zone regulation notification 2018 के लिए दिया गया, उसमें कुछ चीज़ें हैं government ने की, जैसे कि कोस्ट के आसपास होटल बनाने की परमिशन दे दी है और बहुत सारी चीज़ों की परमिशन दे दी, मतलब थोड़ा ईज कर दिया है, रूल्स को थोड़ा ईजी कर दिया गया है, ओके रूल्स को थोड़ा ईजी कर दिया गया है। नाउ ऑथर का ये कहना है कि जो ये चेंजेस हुए हैं दे विल लीड टू द डेथ ऑफ द कोस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हाई साउंडिंग वर्ड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग में डेथ ऑफ द कोस्ट। तो ऐसा इसको समराइज, गोवा में कुछ लोगों ने इसको बोला कि दिस कैन बी टर्म्ड एज डेथ ऑफ द कोस्ट, क्योंकि जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रियल स्टेट, माइंडलेस रियल स्टेट एक तरह से डेवलपमेंट होगा, मास स्केल टूरिज्म होगी और इंडस्ट्री बनाई जाएगी और इस तरह की चीज़ें होंगी जिसके कारण कि कोस्ट जो है वो अपनी जो सेरेनिटी है उसको लूज कर देंगे, ओके। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन, फर्स्ट थिंग इज दैट जो फिशरी सेक्टर के लोग हैं उनकी जॉब्स चली जाएंगी, क्यों, बिकॉज क्या होता है कि लोग कोस्ट का यूज़ करते हैं फॉर करेक्टिंग देयर नेट्स और उनके बोट्स को पार करने के लिए करते हैं, बट अगर होटल्स बन जाएंगे और इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, इंडस्ट्रीज पूरी डेवलप हो जाएंगी टूरिज्म से रिलेटेड, सो दैट विल टेक द स्पेस ऑफ द फिशिंग सेक्टर और फिशरीज की जो स्पेस है वो जब चली जाएगी तो वहाँ के जो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं वो उनकी जॉब चली जाएगी। देन दिस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन विल लीड टू मोस्ट मोर वेस्ट जनरेशन नियर द कोस्ट, तो कोस्ट के नियर बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब
होटल्स बनेंगे और हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स बनेंगे, सारी चीज़ें बनेंगी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें भी आने लगेंगी धीरे धीरे। अब जब टूरिज्म के लिए डेवलप करें तो सब चीज़ें ही आएंगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। और जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का मेथडोलॉजी है बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है, इन्फ्रजाइल है फॉर द कोस्ट एरिया, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। देन ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर सौराष्ट्र और गुजरात रीजन में आएंगे तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा टॉक्सिसिटी टू देयर फूड, वाटर, एयर, तो वही तीनों पोल्यूशन शुरू हो जाएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एंड इस एक और प्रॉब्लम ये है कि ये जो नए रूल्स आए हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ड्यू कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, किसी बिना कंसल्टेशन के रूल्स आए, दीज रूल्स हैव केम विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, दीज आर द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। Now, states cannot pick police chiefs on their own. This is what the Supreme Court has said. अब देखो recently background, let me tell you the background for this news item. Five states, they went and they gave a application to the Supreme Court that they should be allowed to pick their police chiefs on their own. वो जो police chief मतलब कि जो DGP है, director general of police है उनके state के, वो खुद वो appoint कर सकें अपनी अपनी मर्जी से. But Supreme Court has rejected that. अब Supreme Court ने क्या बोला है कि the state government कंसर्न, यहाँ देखो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न हैज़ टू सेंड UPSC द नेम्स ऑफ द प्रोबेबल्स 3 मंथ बिफोर द इनकमबेंट DGP इज टू रिटायर। DGP के रिटायर होने के 3 महीने पहले आपको कुछ प्रोबेबल लोगों के नाम UPSC को भेजने पड़ेंगे। अब क्या होगा, UPSC विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 3 officers टू बी फिट फॉर DGP एंड सेंड इट बैक। UPSC उनमें से 3 लोगों का नाम सेलेक्ट करेगा और स्टेट्स को दोबारा भेज देगा। अब जो नाम UPSC भेजेगा वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा कि उनके 2 साल की सर्विस बची होनी चाहिए और मेरिट और सीनियोरिटी को देखते हुए भेजेगा। देन स्टेट उन 3ों में से किसी एक को अपॉइंट करेगा एज द फाइनल पर्सन टू बी द DGP। दिस इज व्हाट द इंटायर प्रोसेस इज। याद रखिएगा, पहले स्टेट्स प्रोबेबल के नाम भेजेगा UPSC को, UPSC उनमें से 3 नाम सेलेक्ट करके भेजेगा, एंड 3 नाम जो सेलेक्ट करेगा वो सीनियोरिटी, मेरिट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, प्लस टू ईयर्स सर्विस बची रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के भेजेगा। देन उन 3 नामों में से किसी एक का नाम स्टेट गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि वो डायरेक्टली अब खुद से चुन ले, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको ये प्रोसेस ही करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। लैंसेट ने एक डाइट प्लान बनाया, बेसिकली लैंसेट हैज़ प्रिपेयर्ड अ डाइट प्लान फॉर द वर्ल्ड। जो प्री मैच्योर डेथ होती हैं सारी चीज़ों को कम करने के लिए लैंसेट ने, जो कि मेडिकल जर्नल है, उसने बनाया। तो बेसिकली ईट लैंसेट कमीशन, देर इज अ ईट लैंसेट कमीशन विच इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट विच कंसिस्ट ऑफ 19 साइंटिस्ट्स। तो 19 साइंटिस्ट और 18 co-authors हैं इसके अंदर, ईट लैंसेट के अंदर, जिन्होंने कि डेवलप किया है ग्लोबल साइंटिफिक टारगेट्स फॉर अ हेल्दी डाइट एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ये ग्लोबल साइंटिफिक टारगेट्स हैं, ग्लोबल साइंटिफिक डाइट बनाई गई है फॉर हेल्दी डाइट एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए, एंड ईट लैंसेट का नाम याद रखेगा। अब इस पैनल में 2 इंडियंस भी थे तो उनके नाम भी याद रखेगा। द 2 इंडियंस इन दिस पैनल वर श्रीनाथ रेड्डी। श्रीनाथ रेड्डी वॉज फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वॉज सुनीता नारायण। ओके, तो श्रीनाथ रेड्डी PHFI से थे और सुनीता नारायण थी फॉर द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये 2 नाम याद रखेगा, सुनीता नारायण एंड श्रीनाथ रेड्डी के नाम याद रखेगा। इन्होंने डिसाइड ये किया है पूरी कमीशन ने कि 2500 कैलोरीज इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। ओके, डेली रिक्वायरमेंट एवरेज एडल्ट का 2500 कैलोरी होना चाहिए, KCAL पर डे, किलो कैलोरी पर डे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं ना, वो फालतू के ये हेल्थी फाई और ये सारी चीज़ों से अच्छा है आप ये फॉलो करिए, कुछ साइंटिस्टों का दिमाग लगा है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, फॉलो करिए, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, देखते हैं कुछ नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ पे ब्रेक्सिट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपने ब्रेक्सिट पता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो सारे ऑप्शन ही चल रहे हैं। ब्रेक्सिट में हमेशा ऑप्शन चलते रहते हैं कि रेफरेंडम होगा सेकेंड, कि ब्रेक्सिट होगा विद द डील, ब्रेक्सिट होगा विदाउट अ डील, यही चलता रहता है। ओके, ब्रेक्सिट पे एक वीडियो बना सकते हैं ऐसे अपन पूरी प्रोसेस को ट्रेस करते हुए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। RBI eases norms फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, लेट मी टेल यू द व्हाट इज दिस मीन्स। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है, कोई एंटिटी इंडिया में काम कर रही है, अब उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसे इंडिया से भी ले सकता है, बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से भी ले सकता है, एज अ उधार, उधार की तरह। ओके,
तो जो ये पैसा लिया जाता है ना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जो कमर्शियल एंटिटीज जो होती हैं, जो कमर्शियल एंटिटीज या कंपनीज होती हैं, जब वो पैसा लेती हैं फ्रॉम आउटसाइड द आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड डोमेस्टिक बाउंड्रीज, डोमेस्टिक बॉर्डर्स, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ना आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स इसके रिलीज थोड़ा ईजी कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये भी थोड़ा ईजी किया गया है। अब क्या नया नियम है कि ऑल द कंपनीज दैट आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी हर कंपनी जो कि एफडीआई रिसीव करने के लिए एलिजिबल है, वो रेस कर सकती है फंड थ्रू ईसीबी रूट। ऐसी हर कंपनी जो एफडीआई से पैसे रिसीव कर सकती है, वो ईसीबी रूट से भी, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रूट से भी रिसीव कर सकती है। दूसरी चीज जो रखी गवर्नमेंट आरबीआई ने, वो है कि आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कीप द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। जो ईसीबी की मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड रहेगा वो 3 साल रखा गया है फॉर ऑल द ईसीबीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ बोरोइंग। कितना पैसा आप ले रहे हो ईसीबी के थ्रू वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल का रखा गया है फॉर ऑल द ईसीबीज, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज 3 ईयर्स। देन ऑल द एलिजिबल बोरोवर्स कैन नाउ रेज ईसीबीज अप टू $750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। तो $750 million पर फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो दैट इज द थिंग। और अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर, एंड अभी एग्जिस्टिंग सेक्टर वाइज लिमिटेशंस थे तो उनको रिप्लेस कर दिया गया, दैट हैव बीन रिप्लेस, द सेक्टर वाइज लिमिटेशंस हैव बीन रिप्लेस, सो रिमेंबर दैट आल्सो। ओके, सो दिस इज द न्यूज विच वॉज इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप में गेट स्पेशल राइट्स। यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सेबी की बात करेंगे। सेबी बहुत ज्यादा न्यूज में आया, 3 बार आज न्यूज में आया है सेबी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बेसिकली ऑन 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 में बना था एज ए इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, तो पहले जब बना था 1988 में तो सेबी एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की बॉडी थी, लेकिन 4 साल बाद 4 अप्रैल 1992 को अ नोटिफिकेशन वॉज देयर जिसने कि स्टेट्यूटरी पावर्स दी थी सेबी को। स्टेट्यूटरी पावर्स वर गिवन अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 का आया, जिसके अंतर्गत फिर इसको स्टेट्यूटरी पावर दे दी गई और सेबी को स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1992 में। 1998 में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बॉडी थी। नाउ ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, बाय अ बोर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर्स। तो एक बोर्ड होता है जिसमें चेयरमैन होता है और 8 अदर मेंबर्स होते हैं, दे टेक द फाइनल डिसीजंस ऑन ऑल दिस। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एक क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब देखो, क्वासी जुडिशियल आया मतलब GS2 का आपका टॉपिक हो गया, वैसे GS3 में आएगा लेकिन GS2 का भी टॉपिक हो गया, क्वासी जुडिशियल है इसलिए। देन क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज। तो ये सारे काम इसे भी कर सकता है और बेसिकली जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली सेबी है, तो याद रखिएगा सारे फैक्ट्स भी। नाउ दीज न्यूज आइटम्स आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। धोनी ने बहुत अच्छा खेला, बहुत तारीफ हुई, धोनी कैप्टन कूल है यार, धोनी बहुत अच्छा है। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। सो लास्ट न्यूज फॉर द डे इज दैट टूरिस्ट इंजॉइंग इन द मॉर्निंग फॉग एट अराकू इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। तो जियोग्राफिकल लोकेशन है अराकू वैली, पूछ सकते हैं आपसे कहाँ है। तो बेसिकली इट्स अ वैली लोकेटेड इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अराकू, क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में ये लोकेशन याद रखेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।